अगर कभी माया अवस्था में अनजाने में लापरवाही में कभी अहंकार की मात्रा जरा सी आवे फौरन समझ जाओ, फौरन आंसू बहा करके प्रायश्चित कर लो। हे गुरुदेव, हे श्याम सुंदर, मैंने आपको कष्ट दिया, मैंने लापरवाही की, आज मैंने एक के प्रति दुर्भावना की, अपराध किया, अपने को अच्छा समझ लिया, अपने अपमान को हमने बुरा माना, फीलिंग किया उसमें, इस प्रकार आंसू बहा कर तुरंत प्रायश्चित कर डालो तो फिर अंतःकरण नॉर्मल हो जाएगा, फिर आगे बढ़ो। हम ये नहीं कहते हैं कि मायावद्ध जीव गलती करेगा ही नहीं, लेकिन गलती ही करेगा ये घोर पागल का सिद्धांत है। अगर गलती ही करेगा, गुरु के बताने पर भी सुधार न करेगा, तो फिर महापुरुष कब बनेगा वो, फिर शरणागति कब होगी उसकी, अंतःकरण की शुद्धि कैसे होगी उसकी। अनंत महापुरुषों की जो थ्योरी हमारे सामने है, हिस्ट्री है, वो बताती है कि घोर से घोर पापात्मा लोगों ने महापुरुषों की आज्ञा का पालन करके अंतःकरण की शुद्धि की, भगवत प्राप्ति की। इसलिए ये सोचना गलत है कि हम ये कह करके अलग हो जाए, हम तो मायाबद्ध ही है, हम तो गलती करते ही है। अरे गलती करते ही है, ये मायाबद्ध का लक्षण उस मायाबद्ध का है जिसको गार्जियन न मिले, गलती न बताई गई हो, और जो गलती बता दी गई हम समझ गए और स्वयं जान रहे हैं और फिर गलती करें और कहें हम तो मायाबद्ध हैं, तो फिर क्या हम ये समझते हैं कि ऐसी ही अवस्था में रह के हम कृपा पात्र बन जाएंगे। अगर ऐसी ही अवस्था में रह कर हम कृपा पात्र बन जाएंगे, ये सही हमारा सिद्धांत है, तो अनादिकाल से अब तक हम क्यों नहीं बन गए? क्या भगवान मर गया था क्या? क्या महापुरुष नहीं थे? ऐसी बात तो कोई नहीं। इसलिए अपनी वीकनेस को बढ़ाना नहीं है, उसको मिटाना है, हमें इसकी लिफ्ट नहीं देना है मन को। अरे मन तूने गलती की है, अरे तो ठीक है, न कश्चिन न अपराधिक लिखा हुआ है, हम उस कोटेशन का दुरुपयोग न करें। वो तो एक गलती लाइफ में कभी किसी ने संस्कार वश या घोर लापरवाही वश कहीं कर गया कोई कुसंग वश, तो उसकी इतनी फीलिंग कर रहा है, दंड भोग रहा है स्वयं, और उसके पीछे सिद्धांत तो बतावे कि हाँ करना ही चाहिए, तब तो शास्त्र तब गर्त है, पर तो ये करो ये ना करो विधि निषेध का जो वेद बनाया गया उसका भी कोई मतलब नहीं, पर तो भगवान ने नशे में बकबक किया है, इसका मतलब ये होगा। इसलिए ऐसी लापरवाही की बात नहीं सोचना है, सदा यह सोचो कि हमारे इष्ट को, हमारे शरण को, हमारे किसी भी कार्य से, मानसिक हो या वाचिक हो या शारीरिक हो, किसी प्रकार का वर्क हो, वो जो कुछ चाहते हैं वैसा ही हमें करना है, उनको कष्ट न होने पाए। अगर उनको थोड़ा भी कष्ट हुआ तो ये कष्ट हमें जो होता है उससे अनंत गुना हमें मानना चाहिए। जैसे हमें कोई कष्ट देता है तो हमें कष्ट होता है, ऐसे ही हम उनको कष्ट दे रहे हैं जिन्होंने हमारे साथ ये किया, इतने उपकार जिनके हमारे ऊपर है अकारण करुणा के कारण, उनको हम कष्ट दे। अगर ना सुख दे तो कम से कम कष्ट तो ना दे, इतना तो करे। इस प्रकार अगर हम सदा अपने को सिद्धांत युक्त बनाए रखेंगे, हम इस फीलिंग से युक्त रहेंगे, इन दोनों बातों को अगर मस्तिष्क में रखेंगे, तो फिर हम मनमानी नहीं कर सकेंगे, उच्छृंखलता नहीं कर सकेंगे, लापरवाही नहीं कर सकेंगे, और एक बार अपराध होने पर हजार बार आंसू बहाएंगे और पुनः अपराध न होने देंगे। और अगर हम इन आदेशों को भूल जाएंगे तो ठीक है, महापुरुष दुखी होगा, लेकिन तुमको क्या मिलेगा? तुम्हारा जीवन तो सब कुछ पाकर भी और नष्ट हो गया, और नाम अपराध का बोझ और लग गया, कि तुम महापुरुष से न मिले होते तो अच्छा था, बल्कि ये नामापराध तो जुड़ते तुम्हारे साथ। प्रतिदिन सोते समय 5 मिनट का समय निकाल कर सोचना कि कल से आज हमने क्या प्रोग्रेस की, कितना सावधान रहे, इन दो बातों के ऊपर, दीनता के ऊपर और अपने शरण को सुख देने के प्रति जो हमारा लक्ष्य होना चाहिए, इसमें कितना सफल हुए, और अगर कोई गड़बड़ी रह गई तो कल नहीं होने देंगे। इस प्रकार सदा रीडिंग करते हुए सावधान हो करके हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो फिर हमारे लिए
उसी प्रकार हम आगे बढ़ते जाएंगे जैसे चंद्रमा प्रतिपदा के बाद द्वितीया में और चमकदार तृतीया में और चतुर्थी में और यो बढ़ता जाता है, ऐसी साधना हमारी बढ़ती जाएगी और हम लक्ष्य को प्राप्त कर देंगे।